हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए अपने आज की इस क्लास में हम समझेंगे अतिवादी भूगोल के बारे में। अतिवादी भूगोल यानी कि रेडिकल ज्योग्राफी, इसकी शुरुआत भूगोल में क्यों हुई, कहां से हुई और कब हुई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे अतिवादी भूगोल में। ज्योग्राफिकल थाट में जो टर्म आता है अतिवादी भूगोल, ये क्यों शुरू हुआ ये भी हम जानेंगे। ठीक है, देखिए जब 1960 के दशक में मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत हुई, भूगोल में गणितीय विधियों का प्रयोग किया गया, वैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग किया जाने लगा, तो उसी के अगेंस्ट, उसी के विरोध में अतिवादी भूगोल की शुरुआत हुई। ठीक है, तो अतिवादी भूगोल की शुरुआत 1970 के दशक में मानी जाती है। 1970 के दशक में अतिवादी भूगोल की शुरुआत हुई। ठीक है, डेविड हार्वे, और जे आर पीट जैसे दो भूगोलवेत्ताओं ने इसको समर्थन दिया और अतिवादी भूगोल की विचारधारा को पूरी दुनिया के सामने, जो पूरा सभी जो भूगोलवेत्ता थे उनके विचारधाराओं के सामने अपने विचारधारा को ला करके रखा। ठीक है, हालांकि अतिवादी भूगोल की विचारधारा का विकास तो अमेरिका में हुआ। अतिवादी भूगोल की विचारधारा, रेडिकल ज्योग्राफी की शुरुआत अमेरिका से हुई, परंतु यह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित है। अतिवादी भूगोल जो है वह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित है। अतिवादी भूगोल में कहा जाता है कि देखिए, जब तक आप परीक्षण करेंगे, कोई निष्कर्ष निकालेंगे, वैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग करेंगे, तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो अतिवादी भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि ऐसा न करिए। ठीक है, इसके जगह पर आप त्वरित कार्य करिए और भूगोल में जल्दी बदलाव लाने का प्रयास करिए। ठीक है, तो आइए अब एक एक पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं कि अतिवादी भूगोल में क्या क्या बातें आई, कौन कौन से टर्म आए। ठीक है, ताकि आपको लिखने में भी समझने में भी आसानी हो। तो एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे। ये कहा गया कि यह मात्रात्मक विश्लेषण द्वारा प्राप्त, तो देखिए इस तरीके से जो है कुछ पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं। अब इस एक एक पॉइंट को बारी बारी से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले यह मात्रात्मक विश्लेषण द्वारा प्राप्त सैद्धांतिक नियमों को अस्वीकार करता है। ठीक है, अतिवादी भूगोल में सैद्धांतिक नियम नहीं माने जाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि सैद्धांतिक नियम बार बार हमेशा जो है मौजूद नहीं रह सकते, उनका बदलना निश्चित होता है, इसलिए अतिवादी भूगोलवेत्ता सैद्धांतिक नियमों को अस्वीकार कर देते हैं। दूसरी बात, अतिवादी भूगोल के विकास में एंटीपोड नामक पत्रिका और क्लार्क विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है। अतिवादी भूगोल की विचारधारा को एंटीपोड नामक पत्रिका और क्लार्क विश्वविद्यालय ने पूरी दुनिया में फैलाया। ठीक है, इसकी विचारधारा को बताया और मात्रात्मक विश्लेषण का विरोध किया। तीसरा है, डेविड हार्वे और जे आर पीट जैसे विद्वान इसके समर्थक हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि डेविड हार्वे और जे आर पीट जैसे महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता भी क्या करते हैं, अतिवादी भूगोल का समर्थन करते हैं। अतिवादी भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व बदलने से सामाजिक नियम भी बदल जाते हैं। अतिवादी भूगोलवेत्ता ये कहते हैं कि अगर उत्पादन के साधन बदल गए, उत्पादन के जो साधन हैं अगर उस पर किसी का स्वामित्व, किसी दूसरे का स्वामित्व था और अभी वर्तमान में उस पर किसी दूसरे का स्वामित्व हो गया है, मतलब उसका मालिक कोई दूसरा हो गया है, तो सामाजिक नियमों में भी परिवर्तन हो जाएगा। अब जैसे इसका मतलब ये है कि कोई फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसका मालिक जो है उस प्रोडक्शन को और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको किसी और माध्यम से कराएगा। लेकिन अगर नया उसका स्वामी आ जाता है, नया मालिक उसका आ जाता है, तो वो क्या करेगा कि नियम बदल भी सकता है। कहेगा नहीं, इतने बजे से नहीं, पहले अगर मजदूर 7 बजे आते थे तो हो सकता है कि वो कह दे कि नहीं अब 8 बजे आओ या अब 6 बजे ही आ जाओ।
तो जब उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व बदलता है तो सामाजिक नियमों में भी परिवर्तन होता है। अब जैसे मान लीजिए, जैसे किसी भी देश की सरकार है, अगर किसी देश में राजतांत्रिक सरकार है ना, प्रजातंत्र नहीं है, वहाँ राजतंत्र है, तो वहाँ पर सामाजिक नियम कुछ दूसरे होंगे। लेकिन अगर डेमोक्रेसी आ गई, लोकतंत्र आ गया, प्रजातंत्र आ गया, तो वहाँ पर सामाजिक नियम क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अगली बात, अतिवादी भूगोलवेत्ता मानते हैं, देखिए अतिवादी भूगोल घटनाओं की व्याख्या ही नहीं करता बल्कि उसे बदलने का प्रयास भी करता है। अतिवादी भूगोल जिस प्रकार से अतीत की घटनाओं की व्याख्या करता है, कभी कभी उसको बदलने का भी प्रयास करने लगते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अतिवादी भूगोल क्रांतिकारी सिद्धांत और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में विश्वास करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको समझना। जैसे कि अतिवादी भूगोल, नाम ही है अतिवादी, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, क्रांतिकारी सिद्धांत और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में विश्वास करते हैं। अतिवादी भूगोलवेत्ता ये मानते हैं, देखिए कुल मिला जुला करके जब मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत हुई थी तो भूगोल में बहुत सारी चीज़ें आ गई थी, नियम कानून आने लगे, गणितीय समीकरण आने लगे, जिससे भूगोल का दायरा जो है एकदम लेंदी होता चला गया। और भूगोल के विकास में भूगोलवेत्ताओं को ऐसा लगा कि अब तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए इस विचारधारा में अतिवादी भूगोलवेत्ता ये मानते हैं, देखिए इसमें क्रांतिकारी सिद्धांत लाए जाएंगे, ठीक है, और जो क्रियाकलाप होंगे वो भी बिल्कुल क्रांतिकारी तरीके से होंगी, एकदम जैसे कि मान लीजिए कि सब कुछ बदल डालने का प्रयास होगा, तो अतिवादी भूगोलवेत्ता क्या करते हैं, सब कुछ बदल डालने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार से इस भूगोल की व्याख्या करते हैं। अतिवादी भूगोलवेत्ता वैज्ञानिक नियमों को सर्वकालिक नहीं मानते। अब देखिए अतिवादी भूगोलवेत्ता ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कहते हैं कि जो सिद्धांत बने हैं, जो प्रेक्षण, जो निष्कर्ष, जो प्रयोग आप करके लाएंगे, जो गणितीय समीकरण बनाएंगे, वो सर्वकालिक नहीं होंगे, कभी ना कभी उनको बदलना है। अब जैसे मान लीजिए पहले लोगों को पता नहीं था, तो कोई कहता था पृथ्वी चपटी है, कोई कहता था पृथ्वी ऐसी है, कोई कहता था पृथ्वी की जो संरचना है वो चतुष्फलक है, कोई कहता था कि नहीं त्रिभुज की तरह है, तो तमाम प्रकार की अपनी अपनी मान्यताएँ थी, ठीक है। फिर प्रेक्षण हुए, निष्कर्ष हुए, बहुत सारी चीज़ें आईं, उसमें तमाम प्रकार की गणितीय बातें भी आईं, तो अतिवादी भूगोलवेत्ता इन सभी चीज़ों को सर्वकालिक नहीं मानते, कहते हैं कि नहीं, इनको जो है कभी न कभी बदलना है। हो सकता है कि आज पृथ्वी हम जिस प्रकार से देख रहे हैं, आने वाले समय में उस प्रकार से हमें न दिखे। तो अतिवादी भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि भूगोल के अध्ययन में कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जो क्रांतिकारी सिद्धांत लाए, क्रांतिकारी बदलाव लाए, जिससे कि भूगोल का विकास हो सके। तो इस क्लास में अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। और क्लास अच्छी लगे तो इसको आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। एक एक ज्योग्राफी का एक एक टर्म जो है आपको हम बता रहे हैं। देखिए जब आप ढूंढेंगे तो बहुत सारे चैनलों पर ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, कि एक एक चीज़ आपको मिले पूरे ज्योग्राफी में। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक एक टॉपिक पर, एक एक चैप्टर पर बीए से लेके एमए तक का जो है पूरा हर एक सेमेस्टर का, हर एक ईयर का एक एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। हमने बहुत ढूंढा जब हम पढ़ा करते थे पहले, अभी भी पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम कॉलेज में थे तो उस समय क्या था कि बहुत हम ढूंढते थे कि कुछ बीए का मटेरियल मिल जाए, कुछ एमए का मिल जाए, कुछ डिटेल में मिल जाए, तो ऐसे किसी चैनल पे मिलता नहीं था। तो हम अभी ये प्रयास कर रहे हैं कि एक एक वीडियो, एक एक टॉपिक का वन बाय वन आपके सामने ये बनाते चलें, ठीक है, आपको देते चलें, ताकि इससे सबका भला हो, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो पेड क्लासेस चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो असहाय बच्चे हैं, वो नहीं पढ़ पाते। तो मेरा उद्देश्य ये है कि शिक्षा हर जगह पहुँचे, ठीक है। तो पूरा टोटल ज्योग्राफी सोल्यूशन आपको मिलेगा, इसके लिए लाइक और शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। धन्यवाद।